हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने देखा कि ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी एनालिसिस में हम कौन कौन से अजम्पशंस लेते हैं, और उसके बाद हमने इक्वल एरिया क्राइटेरिया देखा था। इक्वल एरिया क्राइटेरिया क्या है? स्विंग इक्वेशन का ही ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो हमने इसको देखा है, ये हमने कल सॉल्व किया था लास्ट टर्म पे, और हमने ये देख लिया था कि द कंडीशन ऑफ स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी की कंडीशन क्या है। स्टेबिलिटी की कंडीशन ये है कि पॉजिटिव एरिया अंडर पी ए डेल्टा कर्व इज मस्ट इक्वल टू नेगेटिव एरिया, यानी कि पॉजिटिव एरिया और नेगेटिव एरिया दोनों को इक्वल होना होगा, तो इसका मतलब स्टेबिलिटी है। अगर ऐसा नहीं है तो अनस्टेबल सिस्टम है। इसी को ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी एनालिसिस कहते हैं। अब हम चलते हैं आज इसके यूज पर। तो यहाँ पर देखिए, टू इलस्ट्रेट द इक्वल एरिया क्राइटेरिया ऑफ स्टेबिलिटी, वी नाउ कंसिडर सेवरल टाइप्स ऑफ डिस्टर्बेंसेस दैट मे अकर इन अ सिंगल मशीन इनफाइनाइट बस बार सिस्टम। एक सिंगल मशीन है जो इनफाइनाइट बस बार से जुड़ी हुई है, और मशीन का मतलब जनरेटर है, और अगर उस जनरेटर में हम कोई लार्ज डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करें, ठीक है। अब जनरेटर में डिस्टरबेंस कैसे प्रोड्यूस होगा? या तो हम मैकेनिकल डिस्टरबेंस प्रोड्यूस करें, यानी कि हम एकदम से स्पीड बढ़ा दें, जैसे अगर थर्मल पावर स्टेशन है तो हम स्टीम इनपुट बढ़ा दें, स्टीम इनपुट बढ़ाएंगे तो मैकेनिकल स्पीड बढ़ जाएगी, एकदम से बढ़ा देंगे तो इसको लार्ज डिस्टर्बेंस कहेंगे। या फिर वहाँ लोड साइड में कोई बड़ा चेंज हो जाए, कोई आउटेज हो जाए या कोई फॉल्ट हो जाए, तो इस वजह से भी चेंज आएगा। तो हम अभी देखने जा रहे हैं कि जब हम मैकेनिकल इनपुट को चेंज करेंगे तो क्या होगा। देखिए, ये पहला हेडिंग है, सडन चेंज इन मैकेनिकल इनपुट। तो मैकेनिकल इनपुट में चेंज में क्या होगा, तो चलिए इसको देख लेते हैं। देखिए, फिगर शोज अ ट्रांजिएंट मॉडल ऑफ सिंगल मशीन टाइड टू इनफाइनाइट बस बार। ये एक सिंगल मशीन है जो एक इनफाइनाइट बस बार से जुड़ी हुई है, और ये सिंक्रोनस रिएक्टेंस है, और जो भी रिएक्टेंस सिस्टम में है उसको लेके है। तो आप देख लीजिए, पी क्या होता है, हमें पता है, ई इंटू वी अपॉन एक्स साइन डेल्टा, तो वही है ये। यहाँ पर साइन डेल्टा का मल्टीप्लिकेशन होगा, ई डैश वी एक्स डी अपॉन एक्स सी, साइन डेल्टा का मल्टीप्लिकेशन भी यहाँ होगा, तभी ये आगे जाके पी मैक्स साइन डेल्टा होगा। आप इसको एडिट कर लीजिएगा, ठीक है। तो पी बेसिकली क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा पी मैक्स साइन डेल्टा, ठीक है। अब हमको स्टेडी स्टेट कंडीशन में, हम मान लेते हैं कि डेल्टा नॉट कोई एंगल रहा होगा, रोटर एंगल, हमने आपको रोटर एंगल को बहुत क्लियरली समझाया है, फिर से एक बार समझा देते हैं आपको अगर भूल गया होगा, कि हमारा सिंक्रोनस स्पीड से फ्लक्स घूम रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड। सिंक्रोनस मशीन के अंदर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि जो सिंक्रोनस स्पीड से घूम रहा है, और रोटर भी हमारा सिंक्रोनस स्पीड से घूम रहा है, पर सिंक्रोनस स्पीड से घूमते हुए फील्ड से रोटर पीछे घूम रहा है, क्योंकि उससे जुड़कर घूम रहा है। दोनों की स्पीड सेम है, लेकिन दोनों के बीच की दूरी वो कांस्टेंट है, जिसको हमने डेल्टा कहा था। हमने पहले भी डिस्कस किया था कि वो रोटर एंगल है, और वो मान लेते हैं कि कोई फिक्स्ड रोटर एंगल डेल्टा नॉट है, ठीक है। अगर वो डेल्टा नॉट है तो हमारा पी एम नॉट क्या हो जाएगा, पी नॉट पी मैक्स साइन डेल्टा नॉट, ठीक है। अब हम मैकेनिकल इनपुट को बढ़ाते हैं, तो आप ये देखिए कि अगर हम मैकेनिकल इनपुट को बढ़ाएंगे तो रोटर की स्पीड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। रोटर की स्पीड बढ़ने की कोशिश करेगी, मैकेनिकल स्पीड, रोटर की मैकेनिकल स्पीड बढ़ने की कोशिश करेगी, और हमारी सिंक्रोनस स्पीड फिक्स है, बस समझ रहे हैं। तो आप देख लेते हैं कि आ जाते हैं इस क्वेश्चन में। सडनली वी इंक्रीज इनपुट फ्रॉम पी एम नॉट टू पी एम वन। हमने ये पी एम, ये हमने डायग्राम, ये साइनोसॉइडल आप देख रहे हैं, ये डायग्राम है, तो इसमें इनपुट पी एम नॉट हो रहा था और डेल्टा नॉट पर फिक्स था सब कुछ, डेल्टा नॉट पर फिक्स था, आराम से वैल्यू सब चलती थी, और पी एम नॉट, तो ये यहाँ पर ए पॉइंट पर, पॉइंट ए पर क्या हो रहा था, ए पर पी एम नॉट इक्वल टू पी मैक्स साइन डेल्टा नॉट, कोई दिक्कत नहीं थी। एकदम से क्या हुआ, एकदम से ये हमारा बढ़ गया, पी एम नॉट से पी एम वन हो गया मैकेनिकल पावर। तो अब आप देखिए, इलेक्ट्रिकल पावर तो यही है ए पॉइंट पर,
और मैकेनिकल पावर ज्यादा हो गई। ठीक है, अब मैकेनिकल पावर अगर ज्यादा हो गई है तो इस इक्वेशन से देखते हैं, एम डी स्क्वायर डेल्टा बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस एच माइनस पी। पी एस एच ही मैकेनिकल पावर है, तो अगर मैकेनिकल पावर ज्यादा हो गई है, ये देखिए यहां पर मैकेनिकल पावर ज्यादा है और ये इलेक्ट्रिकल पावर तो यहां पर है, तो मैकेनिकल पावर ज्यादा होने से क्या होगा, पी एम ग्रेटर देन पी, और पी एम ग्रेटर देन पी का मतलब है रोटर एक्सिलरेट करेगा, रोटर एक्सिलरेट करेगा, रोटर एक्सिलरेट करना शुरू करेगा। अब ए से बी के बीच में, पूरा ए से बी के बीच में अगर हम देखें तो ये जो इलेक्ट्रिकल पावर है ये हमेशा मैकेनिकल पावर से कम है, इलेक्ट्रिकल पावर हमेशा मैकेनिकल पावर से कम है, तो ये रोटर ए से बी तक एक्सिलरेट होता रहेगा। एक्सिलरेट होने का मतलब स्पीड बढ़ती रहेगी। तो आप यहां पर देखिए, हमने पहले मान लिया था कि कॉन्स्टेंट स्पीड से घूम रहा था, अब ये ए से बी तक स्पीड अपना बढ़ती जा रही है, तो ए से बी के बीच में हम देख रहे हैं, तो आप इसको देखिए, ए से बीच में पी एम वन ग्रेटर देन पी है, ठीक है, ये हमने देखा है, यहाँ पर देखिए इसको ढंग से, पी एम वन ग्रेटर देन पी है, सही बात है, पी ये है, पी एम वन ये है, और ए से बी में हमेशा पी एम वन ग्रेटर देन पी, तो पी ए ग्रेटर देन जीरो होगा, रोटर एक्सलरेट करेगा। स्पीड हमारी ये कोई पर्टिकुलर ओमेगा है और ये हमारी ओमेगा है, सिंक्रोनस स्पीड है, ठीक है, तो ओमेगा क्या होगा, ओमेगा इससे बड़ा होगा, ठीक है, तो d डेल्टा बाई डी टी क्या होता है, ओमेगा माइनस ओमेगा एस, d डेल्टा होता है ओमेगा माइनस ओमेगा एस, तो ओमेगा बड़ा है a से b के बीच में ओमेगा एस से, तो डेल्टा क्या होगा, ये भी इंक्रीज करेगा, यानी कि डेल्टा बढ़ेगा, तो आप देखिए डेल्टा बढ़ रहा है, यहां से डेल्टा नॉट से क्या हुआ, डेल्टा वन हो गया बी पॉइंट तक पहुंचने में, ठीक है, हमको दोनों चीजें देखनी है, तो आप इसको एक बार फिर से देख लीजिए, ए पॉइंट से बी पॉइंट पे अगर हम देखें तो ए से बी के बीच में पीई जो इस ग्राफ के अलोंग होगा, ये पीई का ग्राफ है, तो पीई ए से बी के बीच में हमेशा पी एम वन से नीचे रहेगा, यानी कि रोटर एक्सिलरेट करेगा, ठीक हो गया। दूसरा, ओमेगा ए से बी के बीच में हमेशा ओमेगा एस से छोटा रहेगा, यानी कि हमारा एंगल भी बढ़ेगा, रोटर एंगल, तो रोटर एंगल बढ़ गया। अब पॉइंट बी पर क्या होगा, पॉइंट बी पर देख लेते हैं, पॉइंट बी पर पीएम वन और पीई बराबर हो जाएंगे। अब जब पीएम वन और पीई बराबर हो जाएंगे यानी कि एक्सेलरेशन नहीं होगा, पी इक्वल टू जीरो हो जाएगा वहां पे, तो एक्सेलरेशन तो नहीं होगा, यानी कि रोटर एक कांस्टेंट स्पीड से घूमने लगेगा, वो ये कांस्टेंट स्पीड हो जाएगी उसकी, इस स्पीड से घूमने लगेगा, एक्सेलरेशन उस समय नहीं होगा। पर डेल्टा के लिए, डी डेल्टा बाई डी टी के लिए क्या कहेंगे, डी डेल्टा बाई डी टी आप देख रहे होंगे, डी डेल्टा बाई डी टी तो हमारा ओमेगा माइनस ओमेगा ऐसी है, और ओमेगा ओमेगा इससे बड़ा है, यानी कि एंगल, रोटर एंगल बढ़ता रहेगा, रोटर एंगल बढ़ते बढ़ते कहां तक पहुंच जाएगा, डेल्टा टू तक पहुंच जाएगा। देख लेते हैं बी में, देखिए एट पॉइंट बी पी एम वन इक्वल टू पी, मतलब कोई एक्सेलरेशन नहीं है, कोई बात नहीं, डी डेल्टा वाई डी टी क्या, ओमेगा माइनस ओमेगा, और ओमेगा बड़ा है यानी कि रोटर अभी भी बढ़ेगा। अब बी टू सी में देखते हैं, ग्राफ में ही देखते हैं हम लोग, बी टू सी में अब आप देखिए ढंग से, तो बी और सी में क्या है, जो ई है पी, ये क्या है, पी एम वन से बड़ा है, बी टू सी में पूरे पी पी एम वन से बड़ा है, यानी कि रोटर क्या करेगा, डीएक्सलरेट करेगा, क्योंकि पीई बड़ा है पीएम से, रोटर डिसलरेट करेगा, रोटर डिसलरेट करेगा, और ओमेगा का क्या है, ओमेगा भी हमारा बी से सी में ओमेगा इससे बड़ा है, ठीक है ना, तो एंगल क्या होगा, रोटर एंगल बढ़ेगा, यानी कि बी से सी में रोटर डिसलरेट करेगा पर एंगल तो बढ़ेगा, ठीक है, क्लियर है। तो अब सी पॉइंट पर पहुंचते हैं, ये बात आप समझ पा रहे हैं ना, इसको समझना बहुत जरूरी है। अब सी पॉइंट पर हम जब पहुंच रहे हैं तो सी पॉइंट पर आप देखिए, सी पॉइंट पर क्या है कि ओमेगा इक्वल टू ओमेगा एस है और पीई ग्रेटर देन पी एम वन है, पीई ग्रेटर देन पी एम वन है, ठीक, पी ग्रेटर देन पी एम वन का मतलब रोटर डिसलरेट तो करेगा लेकिन ओमेगा इक्वल टू ओमेगा एस होने की वजह से डेल्टा नहीं बढ़ेगा, क्योंकि डी डेल्टा क्या होता है, जीरो हो गया, डी डेल्टा बाई डी टी ओमेगा माइनस ओमेगा एस होता है, तो ये हो गया जीरो, तो ये बढ़ेगा नहीं, यानी कि अब एंगल, रोटर एंगल इससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा, इससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा, रोटर डिसलरेट करना है तो रोटर वापस घूमना शुरू होगा और फिर बी से ए आएगा, फिर ए से बी जाएगा, फिर बी से ए जाएगा, फिर ये इस तरीके से क्या होगा, इसके अक्रॉस स्विंग करेगा और कुछ समय बाद यहीं पर आकर सेटल हो जाएगा
और ये आपका नया रोटर एंगल हो जाएगा। तो इस तरीके से ये पीएम वन जैसे ही हम बढ़ाएंगे तो पीएम वन के लिए नया डेल्टा वन सेलेक्ट हो जाएगा। इससे पहले ये स्विंग करेगा और यही स्विंग अगर स्टेबल होता है, अगर ये ऑसिलेशन जो ये हो रहा है अगर ये स्टेबल हो गया तो हमारा सिस्टम स्टेबल रहेगा, पर यही ऑसिलेशन हो सकता है ओवरडैम्प्ड हो जाए। अगर ओवरडैम्प्ड हो जाएंगे तो ये बढ़ता जाएगा और बढ़ता जाएगा तो फिर ये कभी स्टेबल नहीं होगा। तो हम बीसीसी देख लेते हैं, हमने देख लिया था यहाँ पर पहले कि बीसीसी में देखिए हमने अभी यही डिस्कस किया था कि पी ग्रेटर देन पी एम वन है तो एम डी डेल्टा स्क्वायर डी स्क्वायर डेल्टा डी डेल्टा बाई डी टी स्क्वायर लेस देन जीरो, रोटर डिसलेटिंग करेगा पर रोटर एंगल इंक्रीज करेगा, और सी पर रोटर डिसलेट करेगा पर रोटर एंगल विल नॉट फर्दर। तो ये यही बात जो अभी हमने आपको बताई कि ए बी में एक्सेलरेशन होगा, बी सी में डिसलेशन होगा, फिर सी बी यानी कि वापस लौटेगा डिसलेशन, फिर बी एक्सेलरेशन, फिर ए बी एक्सेलरेशन, और ये इसी के चारों तरफ इसी मतलब बी पॉइंट के दोनों तरफ ये क्या करेगा घूमता रहेगा। एक्सेलरेशन डिसलेशन डिसलेशन एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन डिसलेशन इसी के तरफ, इसी को स्विंग कहा गया। ठीक है, तो ये आप इसको देख लीजिए, इसको बहुत ढंग से पढ़िएगा, आपके पास तो वीडियो है कई बार पढ़ सकते हैं। तो अब ये हो जाएगा हमारा, तो आप देखिए अब हमें इक्वल एरिया क्राइटेरिया लगाना है। तो एंगल पीए हमको क्या लगाना है, इंटीग्रेशन ऑफ हमको लगाना है, जरा ढंग से देखिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ पीए डी डेल्टा इक्वल टू जीरो। अब पीए पीए क्या होता है, पीए होता है सेफ्ट पावर माइनस इलेक्ट्रिकल पावर। तो यहां पर सेफ्ट पावर माइनस इलेक्ट्रिकल पावर का मतलब क्या है, सेफ्ट पावर माइनस इलेक्ट्रिकल पावर, ए से बी के लिए ये निकलेगा और बी से ए के लिए सेफ्ट पावर माइनस इलेक्ट्रिकल पावर क्या निकलेगा, ये निकलेगा। यहां पर सोचने वाली बात यह है कि ए से बी में सेफ्ट पावर ज्यादा है और बी से सी में इलेक्ट्रिकल पावर ज्यादा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो एक पावर पॉजिटिव एक पावर निगेटिव है, ठीक है ना, यहाँ पर सेफ्ट पावर ज्यादा है पॉजिटिव पावर है, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल पावर ज्यादा है निगेटिव पावर है। तो इन दोनों को, और ये कहाँ से डेल्टा नॉट से डेल्टा वन तक जा रहा है ए बी, और बी सी जा रहा है डेल्टा वन से डेल्टा टू तक, तो यही लिमिट्स हमारी लग जाएंगी। ये यहाँ पर देख लिया, ये आपको दिख रहा होगा, ये हमने यहाँ पर लगाया इंटीग्रेशन ऑफ पी ए डी डेल्टा इक्वल टू जीरो, डेल्टा नॉट से डेल्टा वन पी एम वन माइनस पी, क्योंकि पी एम वन बड़ा है वहां पर, और डेल्टा वन से डेल्टा टू पी माइनस पी एम वन डी डेल्टा। ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन आ गया, इसमें रख के हम सॉल्व कर लेते हैं आराम से, हमारा अगर कोई न्यूमेरिकल आता है तो हम सॉल्व कर लेते हैं। तो अब यही बात हुई, आप देखिए कि ये डेल्टा नॉट जो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे कि ये डेल्टा नॉट बढ़ेगा और बढ़ते बढ़ते एक पर्टिकुलर डेल्टा मैक्स तक पहुंचेगा, इससे ऊपर अगर चला गया तो सिस्टम क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा, पर इससे ऊपर ना जाके अगर ये अंडर डैम्प्ड होके बाद में यहाँ पे कहीं आकर स्टेडी स्टेट को पा लेगा तो हमारा सिस्टम स्टेबल हो जाएगा। तो इसी डेल्टा मैक्स की हम चर्चा करते हैं कि डेल्टा मैक्स के बाद ये अगला जो ऑसिलेशन है वो कैसा होगा, कम हो जाएगा, कंट्रोल में आपने पढ़ा होगा अंडर डैम्प्ड ओवर डैम्प्ड ये सारा। तो एक बात और ये आती है कि ये सी ये जो एंगल जा रहा है ये कहाँ तक जाएगा, सी इसके आगे जा सकता है कि नहीं जा सकता है, ठीक है, इसके आगे जा सकता है कि नहीं जा सकता है। तो इसके लिए भी ग्राफिकली हम समझ लेते हैं कि इसके बाद आप ये देखिए इसके बाद क्या हो रहा है, इसके बाद ये सेफ्ट पावर हमारा ये है और इलेक्ट्रिकल पावर ये है, यानी कि सेफ्ट पावर इलेक्ट्रिकल पावर से बढ़ जा रहा है, और सेफ्ट पावर इलेक्ट्रिकल पावर से बढ़ जाने का मतलब है रोटर एक्सेलरेट करेगा, और रोटर एक्सेलरेट करेगा और एंगल का क्या होगा, लोड एंगल भी एक्सेलरेट करेगा, यानी कि ये फिर कभी रुकेगा नहीं। देखिए यही यहाँ पर दिया हुआ है, एट पॉइंट सी पी एम वन पी है बियॉन्ड सी, सी के बाहर क्या हो जाएगा पी एम वन ग्रेटर देन पी हमेशा रहेगा, फिर कभी नहीं बढ़ेगा, तो एक्सेलरेटिंग पावर हमेशा रहेगा और ओमेगा भी ओमेगा इससे हमेशा ज़्यादा रहेगा, तो डेल्टा भी इंक्रीज करेगा, यानी कि डेल्टा इंक्रीज करता रहेगा अगर सी के बाहर पॉइंट मिलता है, और सी के बाहर इसीलिए क्या होगा, ये यहाँ से आगे हमारा रोटर कभी नहीं जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ से आगे चला गया तो इसका मतलब अनस्टेबल हो गया, यही स्टेबिलिटी की कंडीशन है कि सी से आगे नहीं जाएगा, सी से आगे जाने का मतलब ही अनस्टेबिलिटी है। तो
तो हमको ये निकालने के लिए कभी कभी पूछता है डेल्टा मैक्स। तो डेल्टा मैक्स आप देख लीजिए, ये टोटल पाई है, और पाई में यही ये दोनों क्योंकि बराबर हैं तो ये बराबर ही होगा, बस सिंपली पाई माइनस डेल्टा वर्ग। तो ये न्यूमेरिकल्स में यूज होता है, तो आप इसको एक बार देख लीजिए ढंग से, इसको समझ लीजिए कि मैकेनिकल इनपुट के चेंज में क्या फर्क पड़ता है, तो ये क्लियर हो जाएगा। फिर अगले लेक्चर में हम देखते हैं कि और इसमें क्या इलेक्ट्रिकल इनपुट में चेंज करने में क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो आप अगर आपको क्लियर ना हो तो आप एक दो बार देख लीजिएगा, और अगर आपको और भी दिक्कत लगती है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम होगी तो उसे देख लिया जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।